क्रिकेट में जब भी बातें होती हैं तो एक शब्द बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, उस शब्द पर बड़ी चर्चाएं पिछले कुछ दिनों में हुई, 3D प्लेयर। साल 2019 के वर्ल्ड कप को अगर आप याद करेंगे तो अंबाती रायडू के रिप्लेसमेंट के तौर पर जिस विजय शंकर को मौका दिया गया था, उस वक्त सेलेक्टर्स ने क्या कहा था कि भाई विजय शंकर हमारे 3D प्लेयर है। 3D का मतलब क्या होता है? 3D का मतलब कोई पिक्चर या फिर कोई फिल्म नहीं होती है। 3D का मतलब होता है कि जो खिलाड़ी तीन तरीके से खेल दिखा सकता है, बल्लेबाजी कर सकता है, गेंदबाजी कर सकता है और फील्डिंग में भी कमाल कर सकता है, उसको 3D प्लेयर कहा जाता है। कुछ लोग 3D को वो समझते हैं कि 3D चश्मा लगा लिया वो पिक्चर देखने वाला, वो सब मामला नहीं है यहां पर। अब क्या है कि एक 3D प्लेयर मुझे और नजर आ रहा है टीम इंडिया में, इस वक्त एक ऐसा खिलाड़ी मुझे नजर आ रहा है जो आने वाले भविष्य में 3D प्लेयर बनेगा। वो गेंदबाजी करता है, गेंदबाजी में वो बखिया उधेड़ देता है, वो जब बल्लेबाजी करने के लिए आता है तो बल्लेबाजी में बखिया उधेड़ देता है, वो जब फील्डिंग करता है तो कमाल के कैच लपकता है, और इसलिए ही उस खिलाड़ी को अब कहा जा रहा है कि ये खिलाड़ी आने वाले टाइम का 3D प्लेयर होगा। इस खिलाड़ी के पास रफ्तार है, बल्लेबाजी में धार है और जब फील्डिंग में पहुंचता है तो शानदार तरीके की चीते जैसी फील्डिंग इस खिलाड़ी के पास है। इस खिलाड़ी को IPL में हार्दिक पांड्या ने लपक लिया। हार्दिक पांड्या ने इस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करके दो 3D प्लेयर अपनी टीम में शामिल कर लिए हैं। विजय शंकर ऑलरेडी पहले से ही उनकी टीम में थे और दूसरा ये 3D प्लेयर हार्दिक पांड्या की टीम में पहुंच गया है। टीम इंडिया के लिहाज से यह खिलाड़ी आने वाले भविष्य में बहुत अहम होने वाला है और यह उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या कप्तान रहेंगे तो यह खिलाड़ी इस टीम में जरूर खेलेगा। इसका नाम है शिवम मावी। शिवम मावी को हम 3D प्लेयर क्यों कह रहे हैं, यह बात आप लोगों को समझनी चाहिए। आप लोग जब मेरी बात को सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। दरअसल शिवम मावी आपको पता है कि तेज गेंदबाज है, इसमें कोई शक नहीं है। शिवम मावी अंडर-19 विश्व कप जिताने वाली टीम के अहम हिस्सा थे 2018 में। उसके बाद में लगातार वो टीम इंडिया में मतलब IPL में खेलते रहे, चोटिल होने के बाद में बाहर रहे, लेकिन IPL में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया। अब टीम इंडिया में जब उनको मौका मिला तो शिवम मावी ने सबसे पहले अपनी गेंदबाजी से धार दिखाई। शुरुआत के पहले मुकाबले में 4 विकेट झटक कर टीम इंडिया को जीत दिलाई। उसके बाद में दूसरे मुकाबले में शिवम मावी ने बल्ले से कहर बरपाया। आपको पता है किस तरीके से निचले क्रम पर आकर शिवम मावी ने बल्ले से रन बनाए थे और टीम इंडिया को हालांकि जीत नहीं मिली थी, लेकिन शिवम मावी की बल्लेबाजी की तारीफ हुई थी। हर किसी ने कहा था कि इस बल्लेबाज के पास, इस खिलाड़ी के पास निचले क्रम पर आकर बल्लेबाजी करने की ताकत है। यह शिवम मावी ने दिखा दिया था उस दिन जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स लगाए थे। उसके बाद में तीसरा जो अंदाज है मतलब फील्डिंग, वो शिवम मावी का तीसरे मुकाबले में देखने को मिला। पहले मुकाबले में गेंदबाजी देखने को मिली, दूसरे मुकाबले में बल्लेबाजी देखने को मिली और तीसरे मुकाबले में फील्डिंग, जब उन्होंने शानदार तरीके से यजुवेंद्र चहल की गेंद पर बाउंड्री पर भगते हुए कैच लपका। इससे साफ अंदाजा था कि शिवम मावी बाउंड्री के भी एक अच्छे फील्डर हैं। बहुत कम फील्डर ऐसे होते हैं जो बाउंड्री पर आसानी से और समझदारी से कैच लपकते हैं। बहुत गलतियां होती हैं खिलाड़ियों से, लेकिन शिवम मावी ने बहुत समझदारी के साथ कैच लपका, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यह खिलाड़ी आने वाले वक्त का 3D प्लेयर है। जिस एक अच्छे ऑलराउंडर की टीम इंडिया को तलाश थी, हार्दिक पांड्या की तरह जो तेज गेंदबाजी भी कर सके, बल्लेबाजी भी कर सके, फिनिश भी कर सके, वो एक अच्छा खिलाड़ी शिवम मावी के अंदर नजर आता है। वो गेंदबाजी धारदार करते हैं, उनसे शुरुआत में या बाद में कहीं भी गेंदबाजी करवा लीजिए, वो बल्लेबाजी भी धारदार करते हैं। इसीलिए शिवम मावी को इस वक्त का सबसे बेहतर और आने वाले भविष्य का 3D प्लेयर माना जा रहा है। आपका शिवम मावी को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में शिवम मावी आने वाले भविष्य के हार्दिक पांड्या बनेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके के अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे।